हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानेंगे। ये लेसर नोन ऑर्गेनाइजेशंस हैं लेकिन एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले है अर्थ सिस्टम गवर्नेंस प्रोजेक्ट। इसको बनाया था इंटरनेशनल ह्यूमन डायमेंशन प्रोग्राम ऑन ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज ने। 2009 में स्टार्ट हुआ है। इसका हेडक्वार्टर स्वीडन लुंड यूनिवर्सिटी में है। जितने भी गवर्नेंस रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको इंटीग्रेट करने का काम करता है ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, दे एम फॉर द प्रॉब्लम्स दैट आर कॉमन इन नेचर, इसलिए इसको कहते हैं ग्लोबल कॉमन्स। तो ये लोकल लेवल पे भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको देखता है, जैसे कि एयर पोल्यूशन वगैरह हो गया, और जो ग्लोबल लेवल पे लोगों को इफेक्ट करता है जैसे क्लाइमेट चेंज, उनको भी देखता है। तो ये एक तरह से साइंटिफिक एफर्ट्स को गवर्नेंस एफर्ट्स से इंटीग्रेट करता है। नेक्स्ट है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। इसके रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1991 में। एक तरह से पायलट प्रोग्राम था वर्ल्ड बैंक का टू असिस्ट इन द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड टू प्रमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं एनवायरनमेंट के प्रोजेक्ट जो कि यूएन रन करता है और यूएन से रिलेटेड एजेंसीज रन करती है, तो उनको फंडिंग करने का काम ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के थ्रू होता है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यूएसए। जीईएफ जो है वो लगभग 5 कन्वेंशंस के लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म का भी काम करता है, यानी कि इन सारे कन्वेंशंस को जो फंडिंग जाती है वो जीईएफ के थ्रू जाती है। और जीईएफ में फंडिंग कहाँ से आती है? वर्ल्ड बैंक से आती है। तो ये कन्वेंशंस है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी, यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स और मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। कैसे याद रखेंगे ये सारे कन्वेंशन? ट्रिक बनाते हैं जीईएफ यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, या फिर बोलते हैं गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड को बर्थडे में बीडी से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बर्थडे में मे से मरकरी यानी कि मिनामाटा कन्वेंशन जो कि मरकरी के लिए था, में सीसीडी में, सीसीडी इज कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, दिस वन गर्लफ्रेंड को बर्थडे में सीसीडी में ट्रिपल क्रीम पॉप्सिकल खिलाया, सीसीसी से ट्रिपल क्रीम बोलेंगे, और सीसीसी से हमारा हो गया कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और पॉप्सिकल से पीओपी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। इसी तरह का ट्रिक बना के आप डिफिकल्ट चीजें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट। ये पहली बार एज अ थिंक टैंक लॉन्च किया गया था बाय कोरियन प्रेसिडेंट ली मयूंग बाक, इसीलिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो सियोल रिपब्लिक ऑफ कोरिया में है। फिर ये लेटर डेवलप होके इंटरनेशनल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया 2012 में एट द रियो +20 समिट में ब्राजील में। इसका तीन मेजर काम है, पहला कि एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन ग्रोथ प्लांट्स, दूसरा प्रोविजन ऑफ रिसर्च फॉर पॉलिसी मेकर, यानी कि ये गवर्नमेंट्स को हेल्प करता है ऐसे पॉलिसी बनाने में जिससे कि ग्रीन ग्रोथ हो, और तीसरा प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करने की बात करता है। तो ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इंगेजमेंट फैसिलिटेट कराता है। तो ये तीन मेजर काम है ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट का। फिर है हमारा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इस पे कई बार लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो आज वो कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। इसको यूनाइटेड नेशंस के दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एस्टैब्लिश किया था 1988 में, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यूनेप, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये IPCC जो है ये एक तरह से रिपोर्ट प्रोड्यूस करती है, ये तैयार नहीं करती है, प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब ये खुद से कोई भी रिसर्च नहीं करती है, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन देते हैं और इनको एक जगह पे इकट्ठा करके ये प्रोड्यूस करती है, और इसका रिपोर्ट जो है वो UNFCCC के एजेंडा को सपोर्ट करता है। सारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो भी होते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में डिस्कस किए जाते हैं, वो ये IPCC रिपोर्ट से आते हैं। IPCC को 2007 में शेयर्ड नोबेल प्राइज भी मिला था, यानी कि एक अमेरिकन इन्वायरमेंटलिस्ट के साथ इन्होंने 2007 में इस ऑर्गेनाइजेशन ने नोबेल पीस प्राइज शेयर किया था। ये रिपोर्ट तैयार करता है ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट क्या होगा और हमारे पास ऑप्शंस क्या है, लेकिन ये खुद से रिसर्च कंडक्ट नहीं कराता, सारा कुछ वॉलंट्री होता है। फिर है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेड इन 1948। इसमें 1200 से भी ज़्यादा मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंक्लूडिंग 200 प्लस गवर्नमेंट एंड 900 प्लस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इंग्लैंड। इसका क्या काम है? तो ये लिस्ट तैयार करता है जो जितने भी थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, कितने एक्सटिंक्ट हो गए हैं, कितने एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, कितने ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। इसके साथ ही ये एक्शन भी लेता है, हंड्रेड्स ऑफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलते हैं, और ये इन्फ्लुएंस भी करता है गवर्नमेंट को, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो ऐसे पॉलिसी डिसीजंस ले ताकि कंजर्वेशन हो सके।
तो आप देखिए कि आईपीसीसी जो है वो केवल रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन आईयूसीएन जो है वो एक्शन में भी इन्वॉल्व्ड है। इंडिया इसका स्टेट मेंबर बना था 1969 में। फिर है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये नाम सुन के लगता है जैसे कोई प्रोग्राम हो, लेकिन ये एक बॉडी है जो कि यूएन के एनवायरमेंटल एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करती है, डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्ट करती है इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में जो कि इन्वायरमेंटली साउंड हो, ऐसे प्रैक्टिसेस को इवॉल्व करने में हेल्प करती है। इसका हेडक्वार्टर जो है नैरोबी केन्या में है और इसको एस्टैब्लिश किया गया था यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इन 1972 में। ये भी काफी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तरह से इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसको कह सकते हैं। इसमें फंडिंग आती है यूएन के रेगुलर बजट के थ्रू, थ्रू एनवायरमेंट फंड, और जो कोर फंडिंग आती है यूएन में उसके थ्रू। ये थे कुछ मेजर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ अग्रीमेंट्स को भी देखेंगे और रिमेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी कवर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।